नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। बुधवार को दोपहर निरसा के चिरकुंडा थाना अंतर्गत जीटी रोड पर रानी सती मंदिर के पास एक बौराई बस ने बैंक जा रही 15 वर्षीय बच्ची को रौंद दिया था। इस घटना में 15 वर्षीय प्रिया कुमारी की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद घटना से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने काली मंडा के समीप चिरकुंडा मुगमा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था। इस मामले को जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के प्रयास के बाद और मुआवजा दिलवाने के आश्वासन पर सड़क जाम हटा लिया गया था और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। परिजन को आश्वासन मिला था कि गुरुवार को मुआवजा दिलवा दिया जाएगा, लेकिन आज शव का पोस्टमार्टम भी हो गया, लेकिन समय से किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता देख आज परिजन और ग्रामीण फिर से शव को सड़क पर रखकर आवागमन को रोक दिए। ग्रामीण और परिजन अविलंब मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। घटना स्थल पर कुमार धूबी ओपी प्रभारी पंकज कुमार मृतक के परिजन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जनप्रतिनिधि पर भी खासे नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि कल नेता बड़े बड़े आश्वासन दे करके गए, लेकिन आज सब नदारद हैं। ना किसी तरह की मदद मिली, ना किसी प्रकार का मुआवजा की आस दिख रही है। परिजनों का कहना है कि जब तक बस मालिक खुद यहां नहीं आते तब तक रोड जाम नहीं हटेगा। इधर कुमार धुबी, गल्फरबाड़ी ओपी प्रभारी, जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी, भाजपा नेता रंजीत मोदी और स्थानीय बुद्धिजीवी द्वारा परिजनों के साथ वार्ता की गई। वार्ता में मुआवजे के आश्वासन पर सहमति बनी और 3 घंटे बाद शाम 5 बजे जाम खुल गया। किसी को बच्चा का जान चला गया, बोलता है 1 लाख रुपया आप अरुणाचल गुप्ता दे देगा। क्या उखाड़ के दे दिया आप अरुणाचल गुप्ता? अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, बच्चा इसी सांस गल रहा है। बताओ, अच्छी बात है? आप लोग सहयोग कीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये बच्चा का साथ मिला, बच्चा का सहयोग करें। आप लोग सब मिलके जो मुआवजा आप इसको गरीब लड़की है, गरीब बच्चे, आप लोग सब मिलकर आप इसको निर्णय कीजिए। अपना बहुत बहुत हकता है, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? पुलिस की तरफ से क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बोल रहे वो पीयून पकड़ा गया, ये जो 10 रुपया काटता है टिकट में वो पकड़ा गया, उसके बाद कुछ नहीं मिला। ओनर तो ओनर नहीं मालूम है, मालिक पकड़ाया ना जो ड्राइवर, बोला कि शाम तक आ गए, 11 बजे तक कोई ना कोई पकड़ा जाएगा। अभी तक कोई नहीं पकड़ाया। अब थाना का फोन कर रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, सब पैसा में बिक गया। हेलो, आप लोग सहयोग कीजिए, आगे बढ़ाइए। अरे काली मंडपा जाम लगा। कल प्रशासन के द्वारा ही बोला गया था और जो यहाँ जनप्रतिनिधि आए थे उन्होंने कहना था कि पोस्टमार्टम आप लोग कराइए, अगर कुछ मुआवजा नहीं मिलता तो फिर से आप लोग आके बैठ जाइए। तो भाई परिवार के लोग मुआवजा की आस में आके बैठे यहाँ पर रोड पे। तो प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि आप लोग रोड जाम को हटा दीजिए, हम लोग से ईमानदारी के साथ इस परिवार को मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। और प्रशासन के विश्वास पे ही हम लोगों ने इस परिवार को विश्वास दिलाया है कि आप लोग बॉडी को कल से एक्सीडेंट के बाद से बॉडी में भी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग जलाने के लिए कि जलाया जाए इसको और क्रियाक्रम जो है किया जाए इसका रिक्वेस्ट किए हैं। और तत्काल हमने भी 25,000 रुपया इनको इस परिवार को मदद किया है और कोशिश करेंगे ईमानदारी के साथ जितना ज़्यादा हो इस परिवार को मुआवजा मिले। और प्रशासन के साथ हम लोग ये अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस रोड में इतना स्पीड से गाड़ी चढ़ रहा है और आपका बच्चा हमारी कल की जिस तरह से मासूम का जान गया है, अगर इसके बाद भी अगर प्रशासन का आँख नहीं खुलता है तो ये हम लोग के लिए बहुत दुख वाली बात है। क्या स्थानीय विधायक द्वारा कोई सहयोग मिली? देखिए, स्थानीय विधायक के द्वारा भी ये बोला गया था कि आप लोग जो भी मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी दीजिएगा हम उस काम को करेंगे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं किया गया। यहाँ के जो है रंजीत मोदी जी बोले थे कि ठीक है आप लोग कीजिए, उनसे भी जो होगा हम दिलाएंगे। अब वो हो सकता है बाद में परिवार से आके मिले। अभी जाम समाप्त कर रहे हैं। हटा समाप्त कर दीजिए।